अस्सलाम, ईद का है यारो ये बयान। अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये बयान। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। जो भी समझे प्यार को, वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। और ईद के जब भी पाके यारो, रब का शुक्र मनाइए। ईद से जब भी पाके यारो, रब दा शुक्र मनाइए। अरे तेरा मेरा झटके यारो, सबनों गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, और कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया, कि मैं झूठ बोलिया कि मैं कुफर तोलिया। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। न तेरा है न मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, 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 सभी को ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक।
गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आर जनरेश, वापिस आ गया हूँ जुमेरा ठीक 10 बजे आपके पास वापिस एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। इनफैक्ट ये ब्रांड न्यू एपिसोड नहीं, ये है वेरी वेरी स्पेशल शो, क्योंकि आज हम आपके साथ करने वाले हैं ईद सेलिब्रेशन, यानी कि स्पेशल शो ईद के लिए। और हम पूरी टीम की तरफ से, रेडियो उड़ान का पूरी टीम, अपने सभी लिसनर्स को हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर जहां कहीं भी आप इस टाइम हमें सुन रहे होंगे, आपको हम ईद मुबारक कहते हैं और ईद की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद कि ये ईद हमारे लिए और भी बेहतर हो, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर में बहुत मुश्किलात हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं हमें, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ये ईद और इसके बाद का जो वक्त हो वो धीरे धीरे बेहतर हो, हम बेहतरी की ओर जाएं, ऐसी कोशिश हम जरूर करेंगे। और फिलहाल हम जितनी कोशिशें कर सकते हैं, साथ में जो दुआएं कर सकते हैं वो हमारे हाथ में है, तो मुझे लगता है कि हम अगर हम दुआ कर सकते हैं तो दुआएं जरूर करनी चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ इस पूरे एक घंटे के शो में। आज हम करने वाले हैं बहुत सारी ईद की बातें और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे लिसनर्स की तरफ से ईद मुबारक भी कहें, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी आप ईद मुबारक कहना चाहते हैं या विश करना चाहते हैं तो आप सीधा शो में जुड़ सकते हैं। और अगर शो में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आपको इस्तेमाल करना होगा हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 को। इसी नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मिस कॉल देके भी काम चला सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप व्हाट्सअप पे आना चाहें तो इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी विशेज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके जिनसे आप हमारे साथ आज जुड़ पाएंगे शो में लाइव। और इसके अलावा आप फेसबुक पर आएं तो हमारा कल फेसबुक पेज दिल से दिल तक है, जिसको आप लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे आप कमेंट के थ्रू और पोस्ट के थ्रू भी अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ से भी आप ईद मुबारक हम सबको, यानी कि जो सुन रहे हैं और रेडियो की टीम को, बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radiodon.com और फीडबैक सेक्शन में जाके भी आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जब हम ईद की बात कर रहे हैं तो ईद आज अलग अलग जगहों पे मनाई जा रही है। जैसा कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी आज कश्मीर में जहाँ आज ईद सेलिब्रेट की जा रही है, तो वहीं बाकी जगहों पर आज ये चांद की रात है, यानी कि ईद शुरू हुई है, लेकिन ईद की जो नमाज है वो कल अदा की जाएगी। और इसके अलावा कई जगह पर आज भी ईद सेलिब्रेट की गई है, जहाँ पे चांद की रात कल थी, चांद रात कल थी, तो ईद आज सेलिब्रेट की गई है हिंदुस्तान के बाहर। तो बहरहाल इन सब पे बातें होंगी आपके साथ बहुत सारी। और ध्यान रखें कि जब आप इस पवित्र महीने के बाद, एक रमज़ान का जो एक पवित्र महीना होता है, उसके बाद जब आप ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो खुशी और उल्लास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो ये सब कुछ उतना ही रहना चाहिए जितना पिछले सालों में आपने दिखाया था। हालांकि बस आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, और खुशी मनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएं, खुशियां दिलों में होनी चाहिए, आपके फैमिली के साथ आप हैं उनके साथ होनी चाहिए। अगर आप इतना कर पाते हैं तो शायद आप एक अच्छी ईद मना सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा दुख है कि अगर वो बाहर जा पाते या पहले जैसे वो घूमते फिरते थे और ईद सेलिब्रेट करते थे, वैसे नहीं कर पा रहे हैं। तो बहरहाल कोई बात नहीं, वक्त का तकाजा है कि हमें कई बार इसके साथ समझौता करना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो वक्त की ज़रूरत है उसको आप पूरा करें। और वक्त की ज़रूरत कह रही है कि मैं अभी आपको एक और ईद का प्यारा सा गाना सुनाऊं। आज हम जितने भी गाने आपके लिए यहाँ से प्ले करेंगे वो सारे ईद से मुतालिक होंगे, और उन गानों को आप सुने, इन्जॉय करें। मैं एक गाना और आपके सुना रहा हूँ और कोशिश करेंगे उसके बाद अपने पार्टिसिपेंट के साथ वापस आए। छोटी बड़ी गलती,
वेलकम बैक। इस प्यारे से गाने के बाद फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ आपके पास और आप सबको एक बार फिर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद मुबारक आप सभी को। आप कहीं भी इस टाइम हमें अगर सुन रहे हैं तो जैसे मैं आपको ईद मुबारक बोल रहा हूँ वैसे आप भी हमें ईद मुबारक बोल सकते हैं। हमारे सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को या कोई भी जिसको आप ईद मुबारक कहना चाहें बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और कॉल पे आए हमारे साथ, आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कॉल, नंबर एक ही है 9015173846 और जो हिंदुस्तान से बाहर वो उसमें +91 जरूर लगाएं। तो बहरहाल मेरे साथ आज के हमारे शो में पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी बात रखेंगे, हमारे साथ बातें करेंगे, हम उनसे भी ईद मुबारक कहेंगे और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हमारे साथ पहले पार्टिसिपेंट हैं गुलाम। गुलाम बहुत बहुत स्वागत है शो में आपका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल गुलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको, ईद मुबारक जो रेडियो उड़ान की टीम है और तमाम सुनने वालों को ईद मुबारक कहूंगा। मैं गुलाम सदीक लाहौर पाकिस्तान से। गुलाम के साथ हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट और भी हैं जी, आप भी अपना बारे में थोड़ा सा बताएं। ईद मुबारक आपको भी। जी अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक आपको भी मेरी तरफ से, बल्कि पूरे हमारे पाकिस्तान की तरफ से ईद मुबारक आपको भी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ईद मुबारक, रेडियो उड़ान को मुबारक और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा जी इसमें पार्टिसिपेट करके। मैं नाम बता दें थोड़ा अपना सुनने वालों को। मेरा नाम मोहम्मद फयाज है, लाहौर पाकिस्तान से। लाहौर पाकिस्तान से मोहम्मद फयाज हमारे साथ हैं, साथ में गुलाम सदीक हैं, ये भी लाहौर से हैं और हमारे दोनों पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हैं। इस तरीके से आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम इनके साथ बातें करेंगे। और किस तरह से ईद सेलिब्रेट हुई है आज गुलाम? अच्छा नरेश, अगर ईद का कहा जाए ना, मैं समझता हूँ कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे ईद का इतना मजा आया, वो इसलिए कि पहले अगर पिछले साल के ईदों की बात की जाए तो मैं दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारता था और मतलब के फैमिली के साथ कम। इस बार जब कोरोना का दौर है, हर पास हर तरफ मतलब के मसले हैं और पाबंदियां, बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा और फैमिली के साथ एंजॉय, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करके ईद का ज्यादा मजा आया है, ज्यादा मैं समझता हूँ एंजॉय किया और मतलब के तरह तरह के खाने खाए हम लोगों ने, एंजॉय किया, मजे किए, सॉन्ग सुने, मतलब के घर में रह के जरूरी नहीं है कि मतलब के हमने बाहर ही एंजॉय करना है, जो फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि बाहर इतना एंजॉय नहीं होता। तो बस ये कहूँगा कि दोस्तों की बजाय ज्यादातर अपनी फैमिली को भी टाइम दिया करें, जो मेरी तरह पहले दोस्तों को टाइम देते थे, मतलब कि फैमिली के लिए मेरे खुद के पास टाइम नहीं होता था। तो पहली दफा ये महसूस हुआ कि मतलब कि ये जो है ना आइंदा ये अब मैं फैमिली के साथ ज्यादा वक्त गुजारा करूंगा। अच्छा तो फैजल भाई क्या कहते हैं, कैसी रही आपकी ये ईद और जो पिछली ईद? फयाज जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर साल की तरह ये भी बहुत अच्छी गुजर रही है। बस थोड़ा सा ये फर्क है कि थोड़ा सा एहतियात की बात है, जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हालात बड़े नाजुक चल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआएं, सब जो मराहल जो नाजुक गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला सब में सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। और बात ये कि बिल्कुल गुलाम सदीक भाई की बात बड़ी अच्छी है कि ये हकीकत में मबनी चीज है और ये इसलिए कह रहे हैं, इस दुख से कह रहे हैं, खुशी में कह रहे हैं कि इनकी शादी होगी, शायद इसलिए फैमिली को टाइम दे रहे हैं। तो लेकिन बात ये कि बिल्कुल इनकी बात ये 100% ठीक है कि फैमिली में वक्त गुजारना, ये हमें ये वाकई थोड़ा सा मसला था कि चांद रात तो हमने टोटली बाहर ही हमने सेलिब्रेशन करनी, अपने दोस्तों के साथ खाना पीना जो भी करना, वक्त गुजारना, अपनी सुननी सुनानी। लेकिन इस बार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजरा है ये अच्छा गुजरा है, घर में हमने जो भी है सॉन्ग सुने या अपना वक्त एक दूसरे का, एक दूसरे से बात की बात, क्योंकि नरेश भाई ये हकीकत में अपनी चीजें हैं कि हम लोगों ने जब से टेक्नोलॉजी आ गई ना हमारी जिंदगियों में, हम लोग बहुत, हमें स्पेस आ गया है,
वो स्पेस अब ऐसी दूर होगा कि जब हम इन चीजों को अपने से दूर करेंगे, जब देखो व्हाट्सएप पे, जब देखो आप फेसबुक पे बैठे रहते हैं, तो फैमिली को टाइम देना बड़ा जरूरी। और ये कम से कम ईद की खुशी या मैं समझता हूँ कि चंद त्योहार ऐसे हैं हमारी जिंदगियों में कि जो बड़े सगीर के हैं, जो जो हमें कम से कम फैमिली के साथ जरूरी है कि हमें सेलिब्रेट करने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह चांद रात तो बहुत अच्छी बहनों ने जो है ना मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी नहीं जी। और हत्या काफी पाबंदियां थी, और हम लोगों ने घर में जो उन्होंने खाने शाने पकाए थे वो खाने शाने हम लोगों ने खाए, तो बड़ा अच्छा वक्त। ईद की जो पहली सुबह थी वो जो हमने नमाज पढ़ने से पहले मीठा खाने से शुरू किया, खीर बनाई घर वालों ने, खीर खा के हमने फिर नमाज ईद की नमाज पढ़ने गए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा लगा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये दोनों फयाज और गुलाम हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इनसे कुछ और बातें करेंगे। बहरहाल वक्त है कि एक और मैं प्यारा सा गाना सुनाऊं। अगर आपका भी मन है, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपने ईद कैसे सेलिब्रेट की, तो बिल्कुल हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जिसको आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज कर सकते हैं 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं बिल्कुल अभी। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। खुशबू लगा के छिड़कन मखा के, खुशबू लगा के छिड़कन मखा के, हाथों में हम अपनी मेहंदी लगा के, मांगेंगे ईदी कहेंगे ये हम। प्यारे मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक। प्यारे मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक। चूड़ी पहन के काजल लगा के, चूड़ी पहन के काजल लगा के, माथे पे हम अपने टीका सजा के, मांगेंगे ईद कहेंगे ये हम। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक। प्यारी नानी प्यारी दादी ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक।
मानो तो मैं ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक, प्यारे मुसलमानों तो मैं ईद मुबारक, छप 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 ईद मुबारक। फिर से मुबारक आप सभी को एक बार। और गुलाम थोड़ा सा बताएं, अभी फैज बात कर रहे थे कि चांद रात की, तो जो ईद से पहले चांद रात है, हमारे बहुत से लिसनर्स ऐसे होंगे जिनको शायद ये ना पता हो कि बेसिकली चांद रात क्या होती है, तो थोड़ा सा बताएं हमारे सुनने वालों को चांद रात के बारे में। चांद रात ये होती है नरेश के मतलब के 30 या 29 रोजे रखने के बाद फिर जब चांद नजर आता है इसमें एक खुशी की लहर होती है, फिर उसका हम इजहार जो है ना फेयरिंग करके भी करते हैं, हम नाच गाने से भी करते हैं, मतलब कि आप जैसा कि आप इसका हम मायने ये भी ले सकते हैं कि एक बंदे ने 30 दिन मजदूरी की हो तो मतलब कि उसका मतलब कि ये जो है ना मिले उसकी मजदूरी मिल रही हो, मजदूरी मिल रही हो, मतलब कि उस ये मायने ले सकते हैं उसकी जो है ना जो 30 दिन की हमने इबादत और रोजारा के मेहनत की होती है, जब चांद नजर आता है उसका इजहार फिर हम इस तरीके से करते हैं, चांद रात जी होती है। तो इसमें एक और बात है नरेश भाई के अपना ना ये हमारे सामने भी है कि जो ये ना रमजान का चांद है, रमजान यानी कि रमजान की जो 30 रोजे या 29 रोजे होते हैं ना उसके बाद जो हमारा अगला माह जैसे जनवरी फरवरी है, मार्च अप्रैल है, इसी तरह रमजान के अगला जो महीना इस्लामी महीना है वो शवाल है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि इसकी खुशी मनाई जाए, रमजान का ये तोहफा है, ईद जो है ना रमजान का तोहफा है कि आपने 30 बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की कि 30 रोजे जब आप 29 रोजे रख के तो उसकी खुशी मनाए कि अल्लाह ने ये आपकी इबादत जो है, आपके नवाफिल, आपकी इबादत, आपकी नमाजें, आपके रोजे अल्लाह ने कबूल किए, इसको चांद रात को सेलिब्रेट करें सलीके के साथ, अच्छे तरीके के साथ। और जो है ना इसकी फिर 3 दिन हम ईद मनाते हैं, इससे जो आगे हैं हम 3 दिन इसकी ईद मनाते हैं, फिर 3 दिन में हम जैसे कि पहला दिन है हमारा, पहले दिन हम मीठा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मीठा खाने से हम शुरू करते हैं, मीठा खा के खीर बनाते हैं, सब कोई सवैयां बनाता है घर में, कोई मीठा कुछ भी मीठा, बहुत सारे पकवान है जिसमें हलवा बना लेते हैं। ये देखा ना गुलाम सिंह भाई थोड़े से मौलवी हैं तो इसलिए उनको हलवा अच्छा पसंद लगता है ना, तो मौलवी जो हलवा ये जो है ना ये भी बनता है, तो जिसका जो टेस्ट है घर वालों का बहुत कुछ बनाया जाता है घरों में मीठे में, तो मीठा खा के हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं जी। नमाज पढ़ के फिर जितने भी हमारे मोहल्लेदार हैं, हमारे इमाम मस्जिद हैं, रिलेटिव हैं, जो हमारे पास रहते हैं, हम एक दूसरे को मिलते हैं, 3 दफा हम गले मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो एक दूसरे को अच्छी तरह से बड़ा ये बड़ा एक मोहब्बत, बड़ा एक पैगाम होता है एक दूसरे को मिलना। और कुदरती बात है नरेश भाई आपको बताऊं कि जितने भी झगड़े हों, गुलाम भाई इस बात को तस्दीक करेंगे कि ना जो जितने भी झगड़े हमारे में तो ना तफाकियों, ईद के दिन हमने मुंह फेर ही नहीं सकते, ना चाहते हुए जो मर्जी है हमने एक दूसरे को सेलिब्रेट करना, ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि दिल को साफ करके मिलना होता है, तो ये फिर इस तरह करके मिलते हैं एक दूसरे को, बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद हम ईदी बड़ों से ईदी लेते हैं माशाल्लाह, छोटों को ईदी देते हैं, तो बेशक वो ना अगर कोई बड़ा दे हमारा तो फिर हम वो कहते हैं ना कि फिर हम जेब काटने वाले बन जाते हैं कि काटने कोई कैंची मिल जाए तो जेब काट लेते हैं कि भाई हमारा हक है, ईदी हमारा हक है, ईदी नहीं हमने छोड़नी, मतलब ना दे तो हम जबरदस्ती भी ले लेते हैं, जबरदस्ती हम लेते हैं सच्ची मुच्छ ना कि ये जेब कट रहा है। इसके जो बाद जो दूसरा और तीसरा दिन है उसमें क्या होता है? पहले दिन तो तड़ू मड़ू कहते हैं, तड़ू और मड़ू, इसमें भी मतलब कि यही होता है, मतलब कि जब पहला दिन होता है ना सिर्फ हम फैमिली के लोग आपस में खुशियां मनाते हैं या जो भी होता है, दूसरे तीसरे दिन ये होता है बाहर सैर सपाटा करते हैं, मतलब कि बाकी दोस्तों से मिलते हैं जितने भी हैं, मतलब कि जिनसे सालों साल ना मिले हों ईद में लाजमी से मुलाकातें होती हैं, मतलब कि खुशियां होती हैं, एक मतलब कि एक लज्जत होती है मिलने की। और फयाज भाई ने जैसा बताया कि मतलब कि गले मिलना, मतलब कि एक मोहब्बत का एक पैगाम होता है
ईद ना। अच्छा एक और इसमें हमने ना बहुत सारे दोस्तों ने हमने टाइम शेड्यूल किए होते हैं, पहला दिन फैमिली वालों को, बहन भाई को जो घर में है, दूसरा दिन हमने अपने दोस्तों के लिए, तीसरा दिन रिश्तेदारों के लिए, बाद का दूसरा दिन रिश्तेदारों के लिए होता है, तीसरा दिन दोस्तों के लिए होता है, इस तरह ऊपर नीचे हमने कोई सब यानी कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के पंजाब के दोस्त हैं हम इस तरह हमने तीन दिन जो है ना हमने डिवाइड कर लिए होते हैं कि ये पहला दिन इसको देना है, दूसरा दिन इसको देना है, तीसरा दिन इसको देना है, तो इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आता है। इसमें जो सेलिब्रेशन होता है इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि जो गर्ल्स हैं या जो फीमेल्स हैं वो कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हो या उनके लिए कुछ अलग कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, और बॉयज के लिए कुछ अलग हो, ऐसा भी कुछ होता है? जी गुलाम सिंह भाई नहीं, इसमें मतलब कि आम तौर पे होता है, मतलब कि ये तो हो नहीं सकता है कि मतलब कि कोई खुशी का त्योहार हो, फीमेल का सजना सवरना, मेकअप शेकअप ना हो, चूड़िया वगैरह, मतलब के जूते सूट सूट, और वो फीमेल के एक अपना सिस्टम होता है, सहेलियां। अच्छा एक और बात है इसमें नरेश भाई, गुलाम सिद्दीकी भाई को बात को बढ़ाते हुए, कि ये खवातीन का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है कि चांद रात को उन्होंने अलग सजना है, अच्छा जो पहला दिन ईद का है उन्होंने वो अलग सजना है, यानी कि जो घर में सजना है, घर में जो आना जाना होना है, क्योंकि ये भी बड़ा खूबसूरत मंजर होता है हमारे लिए कि एक दूसरे के घर में जो पकवान पकाए जाते हैं वो एक दूसरे के घरों में बेचे जाते हैं, मीठे हो, बिरयानी हो, जिसमें मछली हो, दही बल्ले हो, आलू आलू चने हो, बहुत सारी चीजें, गोलगप्पे बनाते हैं, बहुत सारे ना चीजें बना घर में बनाई जाती है, तीखी अजीबो गरीब बड़ी मजेदार किस्म की ना, तो वो हम एक दूसरे घर में बेचते हैं। फिर दूसरे दिन खवातीन हमारी जो है माशाल्लाह वो यानी कि रिश्तेदार की तरफ जाना तो उन्होंने फिर वो अलग सजना है, तीसरे दिन जब उन्होंने अपनी सहेलियों की तरफ जाना वो अलग सजना है, तो फिर अल्लाह की पनाह है जी, तो फिर वो समझ लेके फिर अल्लाह खैर सल्लाह वाली बात है, तो उनका काफी ज्यादा यानी कि वो सजना सवन होता है बनिस्बत हमारे लड़कों के। हमने मिसाल के तौर पे हमने एक ही सूट दो दिन चला लिया या तीसरे दिन कोई चेंज कर लिया नहीं तो बाद का हम एक ही सूट को शलवार कमीज पहन लेते हैं या कुर्ता पहनते हैं या पैंट शर्ट पहनते हैं या अब बहुत सारी अच्छी शर्ट भी आ गई, टी शर्ट आ गई हैं, तो वो हम जो ना उस एक तीन दिन चला लेते हैं बड़ी कोई। हाँ ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में ये देखा गया है कि पहला जो ईद की नमाज है वो हम ज्यादातर कुर्ता शलवार में या शलवार कमीज में हम पढ़ते हैं। अच्छा ये ईद की नमाज की बात हो रही है, चांद रात की हमने बात कर ली है, तो क्यों ना चांद का भी एक गाना सुना दिया जाए अपने लिसनर्स को। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद, चांद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओ काले बुर्के वाली बता दे अपना नाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओ काले बुर्के वाली बता दे अपना नाम। बनाना तू मुझे तेरी बातों में आना नहीं है,
पीछा नहीं छोड़ूंगा, दिल से दिल जोड़ूंगा, दिल तो है आशिक दीवाना नहीं है। दिल वालों की तो पुरानी है ईद, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, हीरो हिंदुस्तानी का सबको सलाम। तू मेरा दिल है, मेरी जान है तू, जान है क्या मेरा ईमान है तू। चाह तुझे मैंने चाहत से बढ़कर की है मोहब्बत, मोहब्बत से बढ़कर। मुझे तो ये कहना है संग तेरे रहना है, तेरा मेरा अफसाना सदियों पुराना। यही मेरा वादा है, यही तो इरादा है, तेरे लिए छोड़ूंगा सारा जमाना। ये प्यार ही तो दिलों का है मीत, मिलो तुम गले सबसे आई है ईद, से गाने के बाद वापस आ गया हूं मैं और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7 और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल शो, क्योंकि आज हम आपके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ फयाज और गुलाम दोनों जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारी बातें हमारे साथ चल रही हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहें तो मेरे ख्याल से शायद आखिरी बार हम आपके साथ अभी शो में हैं और कुछ वक्त हमारे पास और है जब हम आपके साथ बात कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के थ्रू भी आप हमारे को अपनी बातें अपनी विशेष पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9015173846। फैज़ बताएं कि थोड़ा जो रोज़े हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि 29 या 30 रोज़े हैं, एक तो ये थोड़ी सी कई बार कंफ्यूजन हो सकते हैं हमारे सुनने वालों को कि 29 या 30 रोजे हैं और जो उसका क्या मामला है, और बेसिकली जब रोजे रखते हैं तो क्या उनमें खास है, किस तरीके से रोजे रखे जाते हैं। शायद हमारे बहुत से लिसनर ऐसे हो सकते हैं जिनको ईद के बारे में मालूम है, क्योंकि ईद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ सेलिब्रेट की जाती है। आजकल ईद और ये त्योहार जो है लगभग सोशल फेस्टिवल्स हो गए हैं, सब लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जुम्मा जो हमारे रोजे हैं, जो लोग रोजा रखते हैं, वो शायद उतनी जानकारी लोगों के पास ना हो। जी, इसमें गुजारिश ये है कि मैं रोजों से स्टार्ट करता हूँ। ये अपना रोजे जो हमारी एक होती है, जब रोजे रखने होते हैं हमने, सुबह सूरज निकलने से पहले, फजर की नमाज पढ़ने से पहले, अजाने होने से पहले जो है ना, वो हमारी सहरी उसे कहते हैं, उसे एक डेढ़ घंटा पहले हम उठते हैं। तो उठ के हमने उसमें जो भी हमारी सिस्टर्स भाभियां हैं वो खाने पकाती हैं, वालदा हैं वो खाने तैयार करती हैं, उसमें हम खा के उसमें पराठा दही चलता है, सालन तैयार किया होता है जिसमें चिकन होगा या सब्जी होती है, इसी तरह अपना लस्सी साथ हम लाजमी रखते हैं, दही की लस्सी, उसमें दही की लस्सी हो ना वो थोड़ी सी वक्त अच्छा गुजार जाती है, प्यास कम लगती है उससे। ये बड़ा एक अच्छी सेलिब्रेशन हो जाती है शहरी की, सब फैमिली, सब बहन भाई, सब भाभियां, क्योंकि आम रूटीन में ना, मैं आपको बताऊं
कि जब आम रूटीन में हम खाना खाते हैं, कोई अपने कमरे में, भाभी अपने कमरे में, हम लोग अपने कमरे में, सब अपने अपने मामला में, लेकिन ये सहरी जो है ना और अफतारी जो हमारी ना, ये माशाल्लाह सब इकट्ठे बैठ के करते हैं, ये बड़ा मजेदार है। अच्छा, तो ये सहरी हम रख के फिर हम फजर की अजान होती है, फिर फौरन हमें जैसी अजान होनी है हमने छोड़ देना सब कुछ खाना पीना, तो फिर नमाज पढ़ने चले जाते हैं। तो जैसी सूरज गुरूब होगा, जैसी सूरज गुरूब होगा उसके फौरन बाद गुरूब होते साथ ही हमारी अफतारी हो जाती है, जिसमें हम लोग खजूरों से रोजा अफतार करते हैं, खजूरा खजूर और दूध पसंद करते हैं, और उसके अलावा उसमें पकोड़े होते हैं, समोसे होते हैं, रोल होते हैं, चिकन के रोल होते हैं, सब्जियों के रोल होते हैं, बड़े मजेदार किस्म के, और मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। और उसके बाद मीठे शरबत होते हैं, फालसे के शरबत होते हैं, तरबूज आजकल बहुत अच्छा है वो अफतारी में हम रखते हैं, बहुत सारे अच्छा दही बल्ले वो है, आलू चने, ये अफतारी के ज्यादातर हैं। तो फलों में जैसा कि हमारे यहाँ पे पंजाबी में कहते हैं गर्मा वाटरमेलन, वो भी मुख्तलिफ किस्म के जो ना अच्छे फल, बड़े हो गया कुरबानी हो गई, आड़ू हो गए, ये बड़े अच्छे किस्म के, ये अफतारी का मामला है। अब आपने पूछा 29-30 रोजे ये क्या होते हैं, हमारे ना इस्लामी जो महीने है ना वो चांद को देख के, आपको बताऊं आज ये क्योंकि चल रहा है जो 2021 चल रहा है ये अमेरिकन या गोरों के हिसाब से चल रहा है, लेकिन हर अपने मजहब का ना, हर मजहब का अपने अपने एक महीने है, जैसे पंजाब का अलग महीने है पंजाबियों के जो है, ठीक है, इस्लामी महीने अलग है, हम टोटली जो हमारा इस्लामी महीने है वो चांद पे डिपेंड करते हैं, चांद चांद का चांद चौदहवीं का चांद आपने सुना होगा, चौदहवीं का चांद पूरा नजर आता है, तो ये जैसे चांद चांद चौदह पूरा हो जाता है फिर ये आधा होना शुरू हो जाता है आस्ता आस्ता ना, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ये मुकम्मल हो जाता है, जैसे इसने मुकम्मल होना है, अब ये 29 दिनों में हो, अब ये 30 दिनों में हो, जैसे ये इसने पूरा होना है तो अगला महीना शुरू हो जाना है। गुलाम ये बताएं कि जो इफ्तार की जो अब रस्म बता रहे हैं कि होती है, उसमें मैंने ये भी देखा है कि इफ्तार की पार्टीज भी होती हैं, लोग काफी लोगों को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। हालांकि अब पिछले 1-2 साल से तो मुश्किल है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं हो रही होंगी, लेकिन उससे पहले शायद मैंने भी 1-2 इफ्तार की पार्टी अटेंड की है। तो उसमें जो इफ्तार की पार्टियां होती हैं उनका क्या रिवाज है कि मतलब कुछ जरूरी है ऐसा करना ही है, अगर आपका मन करे तो आप कर सकते हैं? नहीं नरेश, ऐसा है कि मतलब के जो अफतार की पार्टियां है ना वो लोग करते हैं जो सहबे हसीयत होते हैं, मालदार होते हैं, उनका ये होता है कि किसी रोजेदार को, हमारे यहाँ ये मतलब के है कि जो रोजेदार का रोजा अफतार कराता है ना, जिसने रोजा रखा होता है उसके बराबर सवाब मिलता है, तो इसलिए अफतार पार्टियां होती हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजा अफतार कराया जाता है, ताकि हो सकता है कि हमारे जो पाप है, हमारे गुनाह है, इसकी वजह से बख्शे जाए, इसका ये होता है। ओके। और मैं आपको नरेश भाई एक और बताऊं कि ना सिर्फ अफतारियां जनाबे वाला, अब तो सहरियां भी दावत दी जाती हैं हमारे पंजाब में, हमारे पंजाब में तो मैं अभी बताऊं, हमारे घर में हमने खुद सहरी की इफ्तारी दी थी जनाब अपने सिस्टर को, कि वो आई थी, पूरी फैमिली आई थी, तो हमने सहरी इकट्ठी की, फिर उन्होंने हमें बुलाया, तो ना सिर्फ ये, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं अपना बता रहा हूँ, अपनी फैमिली का बता रहा हूँ, ये सहरी ऐसी यानी कि है कि हमने जब अफतारी कर लेनी है, तराबियां हमने पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद हमने अपने जो भी रूटीन के काम है हमने सहरी तक जागते रहना है, सहरी तक जागना है, जाग के हमने सहरी करके नमाज पढ़ के फिर उसके बाद सोना है। तो ये हमारा यानी कि शेड्यूल बड़ी मसरूफियत रही, ये नहीं कि ये जो कोरोना की वजह से अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पता करें, लेकिन जो काम करना है, जो इस्लामी मामलात हैं, हमारे तकाजे हैं, वो हमने पूरे करने ही करने और कर भी रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह एक जो मोहब्बत का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ, ना टूटा है, वो चल रहा है, लेकिन तरीके के साथ। वो जो सहरी अफ्तार है ना, ये भी एक मोहब्बत का पैगाम है, ये एक इत्तेफाक की निशानी है, मतलब सब इकट्ठे बैठ के खाना साना खाते हैं, और मतलब कि हंसना खेलना कूदना ये सब कुछ चलता है, मतलब कि जितने लड़ाइयां झगड़े हुई हों या जो भी इनमें मसाइल हल होते हैं, और मतलब कि हमारी इसमें सुलह हो जाती है, और दिल से मतलब कि जो भी मतलब के गुबार हो, मसला हो, वो सारे धो के हम एक दूसरे को माफ कर देते हैं।
बिल्कुल, और वक्त काफी कम है मेरे पास, फिर भी एक आखिर में एक सवाल है मेरे मन में, वो जरूर पूछना चाहूंगा आप दोनों से कि जो रोजे रखने का जो रिवाज है उसमें क्या ये ऐसा कुछ जरूरी है कि हर किसी को रोजे रखना है, या ये अपनी मर्जी पे होता है, आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से छोटे छोटे लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी कई बार रोजा रखते हैं, और कई बार बड़े बड़े लोग भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद रोजा नहीं रखते। ये तंदुरुस्त तवाना लोग होते हैं ना नरेश जी, जो मतलब के नौजवान लोग होते हैं, उनके लिए ये लाजमी है, फर्ज है, मतलब के ये तो हमारे, हमें कुरान जैसा कि पिछले उम्मतों में ये रोजे फर्ज किए गए थे, आप पे भी ये फर्ज हैं, मतलब कि ये रोजे रखना लाजमी है। हाँ, कोई बीमार हो, कोई मसाइल पे गिरा हुआ, कोई मसला हो, ये रोजे ना रख सकता हो, उनके लिए छूट है कि वो रोजे ना रखे, जब वो तंदुरुस्त तवाना हो जाए वो कजाई कर ले, वो मतलब के बाद में वो उतने रोजे रख ले। अच्छा नरेश भाई, मैं थोड़ी सी बात ऐड करता चलूं कि आप अगर ये देखें ना, ये एक डाइटिंग है, बहुत अच्छी डाइटिंग है कि जो पूरा डाइट नहीं कर सकता, जो सेहतमंद बंदा है या मोटा बंदा है या थोड़ा हेल्दी है, वो यानी कि खाने में नहीं गुरेज, वो रोजे रखे, यकीन जाने आपकी सेहत बड़ी साइंस के मुताबिक बहुत अच्छी आपकी जो है ना सेहत हो जाती है, बड़ा बेहतर हो जाता है। यानी कि आप जो मर्जी सामने आप हड़प करके खा रहे हो, लेकिन रोजे में आपने जब रोजा रख लिया है, आपके सामने जो मर्जी आ गया है, सोने की प्लेट में भी आ गया है, आपने आप ये ना कहें कि बंद कमरे में मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन आपका यकीन होता है कि आपको अल्लाह देख रहा है, तो आपने नहीं खाना, तो ये समझ लेके रोजे की कबूलियत है। बिल्कुल, तो ये रोजे और ईद से जुड़ी हुई जो रमजान का जो महीना है, पूरी जुड़ी हुई बातें हमने कोशिश की कि आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं, अपने सुनने वालों को जिनको शायद इन सब की चीजों की जानकारी नहीं थी, कुछ मालूमात नहीं थी उनके पास, कुछ उनको मिले यहाँ से, ऐसी कोशिश। ये हमारा एक स्पेशल शो जो अब लगभग अपने आखिरी लम्हों में है, तो गुलाम और फैज आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते चलते कुछ संदेश देना चाहें किसी के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहूंगा कि भाई ये दिल में एक दूसरे के ये गुबार रखना, लड़ाइयां मतलब कि ये झगड़े खत्म करें, आपस में सलाह सफाइयों के साथ रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और यकीन करें आपको बहुत मजा आएगा। तो बहरहाल ये है कि आजकल ऐसा होता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं आयशा फैसलाबाद से, मैं ये इस वक्त तो जानना चाहूंगी कि सिलसिले में बातचीत चल रही है ताकि मैं भी अपना हिस्सा डाल सकूं। बिल्कुल, अब तो हम ईद मुबारक, आप चलते चलते ईद मुबारक बोल सकते हैं, जिनको भी आप मैसेज देना चाहें, संदेशा देना चाहें और कुछ कहना चाहते हैं सुनने वालों को तो बिल्कुल कहें। मैं ये बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, उम्मत मुस्लिमा को और बाकी सबको मेरा जो है सलाम। दूसरा मेरा ख्याल है कि अभी अभी रोजे गुजरे हैं, तो उसी सिलसिले में कुछ बातचीत चल रही थी, तो मैं इसमें एडिशन ये करना चाहूंगी कि रोजा मींस फास्ट एक ऐसी चीज है जो हर मजहब में किसी ना किसी तौर पर लाजिम है। बिल्कुल, अब क्यों लाजिम है, इसका सिलसिला दरअसल मेडिकल साइंस से जुड़ता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इसकी साफ साफ तस्दीक कर दी है कि जो शख्स पूरा दिन भूखा प्यासा रहता है उसकी बॉडी में इस तरह के एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं जिसके बाद वो अपने आप को ज्यादा एक्टिव फील करता है। वो बेतहाशा बेशबहा खा नहीं सकता जी। उसकी सारे बॉडी सिस्टम्स को रिलैक्स मिल जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा जो है जब काम करते हैं तो वो एक्टिवली वर्क करते हैं जी। और जैसे कि दीन इस्लाम के बारे में मैं ऐड करूंगी, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि कोई भी दीन मुश्किल नहीं है जी। तमाम जो मजाहिब हैं वो बहुत ही आसान है, इंसान अपने नजरियात और सोच से उन्हें मुश्किल बना देते जी। मेडिकल साइंस आज इस बात को मानने पे मजबूर है, जो पूरी दुनिया में एक कपिंग सिस्टम चल रहा है वो दरअसल क्या है, अगर एक शख्स सुबह रोशनी होने से पहले पहले खाना खाकर सूरज गुरूब होने के बाद दोबारा खाना खाएगा जी, 3 रोज वो लगातार ऐसा करेगा जी,
हर महीने के 3 रोज लगातार ऐसा करने से उसे कपिंग सिस्टम की पूरी जिंदगी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दरअसल रोजा तो एक ऐसी चीज है ना मुसलमानों के लिए कि अकीदत है। जैसे हम अदर मजाहिब में कहें तो वो रात को जाग के इबादत करते हैं, जगराते किए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक पूरा महीना दे दिया है दैट के आप फील फ्री और आराम से जो चाहना है वो करना है, अल्लाह के इतने करीब हो जाना है, दुनिया को भूल जाना है और इतना मजेदार माहौल होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी रहमतें उतरना शुरू हो जाती है, इंसान का दिल करता है कि वो काम करे। बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, और ये आयशा है फैसलाबाद पाकिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया इनकी भी जो विशेष और जो बातें हमारे सुनने वालों तक पहुंची। फयाज क्या कहेंगे चलते चलते? मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें मौका दिया बातचीत करने का और लोगों को बताने का कि रमजान एक एक बहुत अच्छा एक महीना है जो एक दूसरे की मोहब्बत भाईचारा बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से ना यहाँ भी मनाया जाता है व्रत, या मतलब के करवा चौथ के नाम के हल्का सा नाम चेंज है, मेरे ख्याल से रोजा तो वही तकरीबन सेम ही होगा। बिल्कुल, रोजे की तरह फास्टिंग सब जगह होती है, हमारे यहाँ भी बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, मेरे ख्याल से हर मजहब में आप जैसा आप कह रहे हैं पहले आपने जिक्र किया कि हर मजहब में ऐसा है, वहाँ पे फास्टिंग है और रोजे रखे जाते हैं, या यूं कहें कि फास्टिंग होती है, व्रत रखते हैं लोग, वो सब जगह पे है। और सबका शायद जो एक मसला एक ही है कि लोग हेल्दी हों, तंदुरुस्त हों और उनकी जो बॉडी है वो अच्छी रहे और इससे थोड़ा सा जो उनका कंसंट्रेशन है वो भी बना रहे, तो उसी की कोशिश है। फयाज कुछ कह रहे थे जी, मुख्तसर करते हुए क्योंकि टाइम खत्म हो चुका हुआ है कि अपना ये बड़ा मोहब्बत का महीना है, तो इसको मैं समझता हूँ मिल बांट के प्यार मोहब्बत से दिल साफ करके हम जितने भी लोग हैं, सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए नहीं, जितने भी हमारे दोस्त हैं और गुलाम सिंह भाई बखूबी जानते हैं कि हमारे जो क्रिश्चियन दोस्त हैं लाहौर में, हम उनको उनके वो अपने 25 दिसंबर जो हैं क्रिसमस में हमें बुलाते हैं, ईस्टर पे हमें बुलाते हैं, हम उनको अपनी ईदों पे बुलाते हैं, बड़ी मारी ये बस 2 साल, कल का पिछला साल और इस साल थोड़ा सा हम थोड़ा परेशान हुए हैं, लेकिन जो है हम पिछले कई सालों से एक दूसरे का मोहब्बत का भाईचारे का एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन करते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, जो रमजान का असल पैगाम है इंशाल्लाह, तो अल्लाह से ताल्लुक जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बगैर तो हम अधूरे हैं। बिल्कुल, आमीन आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। मेरी तरफ से ईद मुबारक जी। बिल्कुल, सभी को ईद मुबारक। और बिल्कुल लिसनर्स को हम भी अपनी तरफ से एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से सभी सुनने वालों की तरफ से ईद मुबारक कहते हैं, और साथ में कहते हैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि ये ईद पहले से और भी बेहतर हो और जो मुश्किल दौर हमारे साथ चल रहा है हम उसको भी पूरा कर लें। और कहते हैं कि वक्त की ये खास बात है, वक्त की खास बात यही है कि अच्छा हो या बुरा वो गुजर जाता है, तो ये वक्त भी ये दौर भी गुजर जाएगा और एक अच्छी सुबह आएगी, हम उसके इंतज़ार में हैं। और बहरहाल अगर आपने आज का शो सुना और आप कम कुछ कह नहीं पाए, कहना चाहते थे, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप जो यूट्यूब पर आए हमारे दिल से दिल तक का चैनल सर्च करें, उसे सब्सक्राइब करें, वहाँ पर आपको हमारे सारे शोज़ के वीडियोज़ और ऑडियो मिलेंगे, वहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, कमेंट के थ्रू अपनी बातें शेयर करें, हम जो भी कहना चाहें। और यूट्यूब की खास बात ये कि आप जब फ्री हो, जब आपके पास वक्त हो, जब आपका मन करे आप तब सुन सकते हैं, कोई टाइम की कोई वक्त की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इसी टाइम हमें सुनना है, तो जब आप फ्री हो, जब महसूस करें कि आपको कुछ सुनना चाहिए तो उस वक्त आप हमें सुन सकते हैं। बहरहाल इस वादे के साथ, इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को जुमेरात को फिर आपके साथ वापस आऊँगा ठीक 10 बजे और कुछ नया लेकर आऊँगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो ऑन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। Hey!
रैकेट का सीरियल नंबर भेज रहा हूँ। रैकेट राइट अवे। साथ रहूं फिर मैं अगले ही पल हूँ हवा। जो कुछ भी कही मुझे कुछ याद नहीं, करूँ मैं क्या ये मुझे तू बता। सारे